हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और साथ साथ हम ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर ये सेंटेंस सुनते आए हैं कि फलाने पर्सन के अंदर जो है, फलाने शख्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब होता है कि भाई फलाना जो शख्स है उसके अंदर ये सलाहियत है, ये एनर्जी है कि ये वो काम कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, यही बेसिकली डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू इट्स पोजिशन। क्या मतलब हुआ? कोई भी बॉडी जब किसी पोजीशन पर होती है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो बच्चों, बात करते हैं डेरिवेशन की। जैसा कि हम जानते हैं, डेरिवेशन के पहले हमने थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो जल्दी से हम उसको पैराग्राफ को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देन हम उसको ड्राइव करते हैं। पैराग्राफ हमें कहता है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एज यूजुअल हर डेरिवेशन के अंदर हम किसी चीज़ को अज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है। फिर कहते हैं ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई है, इफ इट इज लिफ्टेड अप विद कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू अ वर्टिकल हाइट h, अगर इस बॉडी को मैं वर्टिकल हाइट पर ऊपर ले जाऊं उठाकर और यहां ले आऊं, तो ये जो इसने डिस्टेंस तय किया इसको मैंने नाम दिया हाइट h, ठीक है, आसान सी बात थी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट विच इज w इज इक्वल टू mg। क्या मतलब हुआ कि जो फोर्स, ऑब्वियसली हम जानते हैं, हम इस बॉडी को जब ऊपर मूव करेंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि जो फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं वो फोर्स बराबर है उस फोर्स के जो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हम एक फोर्स इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स बिल्कुल अपोजिट है डब्ल्यू के, जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है, तभी तो ये ऊपर मूव कर रही है, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही है। फिर क्या कहते हैं, दस वर्क डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टोर्ड इन इट। तो बेसिकली वो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी थी जो इस पर एक्ट कर रही थी, वो जब ये बॉडी ऊपर गई तो वो इसमें जाकर स्टोर्ड हो गई, छुप गई। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। एज वी नो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने यहाँ पर वर्क डन का वर्ड क्यों यूज़ किया? हम इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी की भी डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को ड्राइव किया था। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी चीज़ पर फोर्स लगे, ठीक है, और उस फोर्स के नतीजे में वो कोई फासला तय करे, कोई डिस्टेंस तय करे, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने वर्क डन किया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमने इस बॉडी पे क्या अप्लाई की थी, फोर्स की थी, और उस फोर्स के नतीजे में क्या हुआ, इसने कुछ डिस्टेंस तय किया, तो ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है फोर्स की वजह से, दैट इज नोन एज वर्क डन, इसे हम कहते हैं वर्क डन। नाउ अब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है किसके, डब्ल्यू के, एंड वट अबाउट डब्ल्यू, हर बच्चा जानता है डब्ल्यू बराबर है एम जी के। तो हम यहाँ पर एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे एम जी की, तो ये हमारे पास वर्क डन कुछ ऐसे बन जाएगा, डब्ल्यू वर्क डन के लिए इज इक्वल टू एम जी एंड डी। अच्छा देखिए, डिस्टेंस को हम डी में भी नापते हैं और एच में भी नापते हैं, लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं तो फिर हम डी की जगह एच यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर डी की जगह क्या यूज़ करेंगे, एच यूज़ करेंगे। तो ये बना हमारे पास एम जी एच। आप यहाँ पर बता भी सकते हैं कि हमारा जो डी है बेसिकली वो बराबर है एच के, बात एक ही है क्योंकि दोनों का मतलब फासला ही है, लेकिन आमतौर पर डिस्टेंस जो है वो हम हॉरिजॉन्टल फासले के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो फिर हम जो है वो हाइट यानी कि ऊंचाई को इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। फिर हम ये जानते हैं कि जो वर्क डन बराबर होता है, ये बराबर होता है एनर्जी के। कोई भी बॉडी उतना ही काम करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो अब यहाँ पर हम किस एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वर्क डन बराबर है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब इस वर्क डन की जगह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एंड एच। सो दैट इज द इक्वेशन एंड द डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आमतौर पर न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ड्राइव की, पोटेंशियल एनर्जी आज की वीडियो में हमने ड्राइव की। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ड्राइव करेंगे, बल्कि कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, या कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली कन्वर्जन पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और इसकी डेरिवेशन क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ, शेयर करें, और साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें। किसी किस्म का कोई भी सवाल आपके जहन में इससे रिलेटेड है तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।